भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। कांग्रेस के संस्थापक महासचिव एओ ह्यूमे थे। अब वरिष्ठ नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से हर साल पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अंतर्गत गुंडदेही के भी में ये मनाया गया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर नारायण साहू ने कहा कि भारत ने प्रगति की है क्योंकि कांग्रेस ने दलितों गरीबों की बेड़ियों को तोड़ने का साहस रखा है, लोकतंत्र को मजबूत रखने का काम किया है, सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत को दर्शाता है। परंतु आज भारत के मूल सिद्धांतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे देश में नफरत का गड्ढा खोदा जा रहा है। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। धर्म भाषा जाति संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाला ये संघ परिवार के लोग हैं। कांग्रेस के 138 साल पूरे भी हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार मिले, एकता में रहे, और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को आजाद कराया। देश अंग्रेजों की गुलामी के अधीन थे, ये कांग्रेसियों का ही योगदान है। हमारे जो महापुरुषों ने इस देश को अपने खून पसीने की सिंचाई करके इस देश को आजाद कराया। लेकिन देखते हैं अभी जो वर्तमान जो हालात है, एक बार फिर से देश गुलामी की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस ब्लॉक कमेटी गुंडरदेही के द्वारा विधायक कार्यालय गुंडरदेही में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के आजादी को लेकर योगदान और उनके महापुरुषों का सभी का पुण्य स्मरण करते हुए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हाथ से हाथ जोड़ यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई।